बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं शिवानी। मैं हूं कुनाल। वेलकम गाइस आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। गाइस आज की वीडियो मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस चैनल से है और वीडियो का टॉपिक है अगर नमाज में सांप नज़र आ जाए तो क्या करें। सो इम्पोर्टेंट बयान। और ये वीडियो है मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस से और ये मुफ्ती साहब का अपना खुद का ऑफिशियल चैनल है, तो देखते हैं गाइस। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. YouTube पे किसी ने वीडियो भेजी, मस्जिद में जलजला आया, इमाम साहब खड़े हुए हैं, पीछे पब्लिक भी, एक एक करके जिसके जितने 4 महीने लगे हुए थे वो खड़े हुए हैं, चिल्ले वाले सारे आहिस्ता आहिस्ता। ये तो मैं अपनी तरफ से वो डिटेल बयान कर रहा हूँ। सबसे पीछे सहरोजे वालों की जमात वो निकले हैं। फिर थोड़ा मजबूत ईमान था चिल्ले वालों का, एक एक करके वो भी खिसके, फिर 4 महीने इमाम साहब अकेले खड़े हुए हैं ना, ज़मीन कांप रही और खड़े हुए नमाज पढ़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये देखो बहादुर आदमी, ये है अल्लाह पे ईमान, जलजला आया मगर ज़रा भी डर नहीं लगा। ये बहादुरी नहीं है, ये क्या है? इट इज़ कॉल्ड हमाकत, या तो जहालत है या क्या है, हमाकत। अल्लाह वो इमाम साहब को माफ़ फरमाए, जो भी थे हमसे अच्छे ही होंगे, लेकिन बहरहाल ये अमल सही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज की हालत में, सही हदीस है, अगर सांप नज़र आए सांप मारो पकड़ के, क्या करो? तोड़ दो नमाज भाई, सांप को पकड़ के मारो, सही हदीस है। ये नहीं फरमाया कि चूंकि तुम्हारा अल्लाह से कनेक्शन बहाल हुआ हुआ है, अब तुम अल्लाह की हिफ्ज़ो अमान में आए हुए हो, अब अगर तुमने सांप की तरफ तवज्जो दी तो ये इसकी अलामत है तुम अल्लाह से नहीं डरते, तुम किससे डरते हो? सांप से। खड़े रहो वहीं पर, तो धोती धुलाई वाला वाकया हो जाता मेरे भाई। वो एक अंग्रेज़ों के दौर में अंग्रेज़ जो है ना फौज में मुसलमानों को ज़्यादा तरजीह देते थे, देता था, ख़ासतौर पे पठान लोगों को वो फ़ौज में ज़्यादा भर्ती करता था। उस पर किसी ने शिकायत की, हमारे हजरत ये वाक़या बयान करते थे, दूसरी मैं नाम नहीं लूँगा उस कौम का, खामखा में बयान मेरा सब लोग ही सुन रहे होते हैं। तो एक दूसरे मज़हब के किसी शख्स ने कहा कि अंग्रेज़ से कि तुम फ़ौज में इनको मुसलमानों को रखते हो और ख़ास तौर पर ये पठान लोगों को फ़ौज में रखते हो, हम लोगों को क्यों नहीं रखते, हमें बहुत कम रखते हो। उन्होंने कहा ये बहादुर हैं, तुम में बहादुरी नहीं है, तुम मैदान में भाग जाते हो, ये वफा करने वाले लोग हैं, मैदान में लड़ते हैं। उसने कहा नहीं सर, हम भी बहादुर हैं, इम्तिहान ले लें। उसने कहा ठीक है। तो पहले किसी पठान भाई को बुलाया जो उसकी आर्मी में थे, उनको खड़ा किया और उससे कहा कि हम आपका हेड का हेड पहनाई और काम आपका निशाना लेंगे हेड का। तो अंग्रेज़ ने निशाना लिया, सर से हेड उड़ गई और वो फौजी इसी तरह आराम से खड़ा हुआ है। तो उस दूसरे मज़हब वाले को कहा देखो कैसा बहादुर है। उसने कहा ठीक है सर, मैं कर लें, मैं भी तैयार हूँ इसके लिए। तो वो धोती पहनते थे वो लोग, तो धोती पहन के खड़ा हो गया और सर पे कैप पहनी, गोरे ने से निशाना लिया, कैप उड़ गई, वो बंदा खड़ा हुआ है आराम से। गोरे ने कहा वेल डन, ऐसे ही करते हैं ना, वेल डन यार, हम तो समझ रहे थे तुम बहादुर नहीं हो। गोरे ने अपने किसी फौजी से कहा इसको कैप के पैसे दे देना, इसकी कैप ज़ाया हो गई है, कैप के पैसे। तो उसने कहा हुजूर धोती धुलाई के पैसे भी दे दिएगा, कैप के साथ साथ धोती की धुलाई के पैसे भी अगर साथ हो जाए। बेड़ा गर्क हो गया नीचे। नीचे के मामलात सही नहीं है, धोती धुलाई के पैसे भी चाहिए। तो क्या बात चल रही थी यार, क्या कह रहे हैं? हाँ, तो बहादुरी का ताल्लुक मजहब से भी होता है, लेकिन बहादुरी का ताल्लुक आपके आसाब से और आपके दिल से भी होता है। तभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खियारुकुम फिल जाहिलियति खियारुकुम फिल इस्लाम, जो जाहिलियत में बेहतर थे इस्लाम में भी वही है, क्योंकि जो जाहिलियत में जिन्होंने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया ना मैदान जंग में, वो बहादुर थे, उनमें इस लिहाज से गैरत थी कि अपनी कौम के साथ वफा कर रहे थे कि लड़ेंगे। जब इधर कन्वर्ट हो गए तो इधर वफा की उन्होंने, और जो बुजदिल होता है ना इधर का ना उधर भी टेंशन, इधर आ गया तो इधर भी टेंशन। तो ये कुछ सलाहियतें गॉड गिफ्टेड होती हैं, तो इसलिए उलमा कहते हैं अगर किसी को मौत से डर लगता है, इसलिए नहीं कि आखिरत पर यकीन नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो आसाबी कमज़ोरी है उसको, उसके दिल कमज़ोर है, तो ये मौत का डर से आखिरत में कोई नुकसान
नहीं होगा और ये बुजुर्गी के खिलाफ नहीं है। इससे कोई किसी का ये साबित नहीं हो जाता कि ये बुजुर्ग नहीं है। तो बाज लोग डर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा मौत का खौफ होता है उनके दिल में, वो कमजोर होते हैं आसाब उनके। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज में अगर सांप नजर आए तो क्या करना है भाई, सांप को मारना है। वरना क्या होता, मैं वो तशरीह कर रहा था ना हदीस की, अगर यूं हुक्म होता शरीयत में कि नहीं तुम्हारा, आजकल दीनदार लोग इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं, एक तरफ अल्लाह से तुम्हारा कनेक्शन, एक तरफ सांप, मखलूक और खालिक का क्या हो रहा है मुकाबला, अब तुम्हारा इम्तिहान है कि मखलूक से डरते हो या खालिक से। तो इसमें वो सांप भी किसने भेजा है, खालिक नहीं भेजा है ना, ठीक है ना। और सांप का काम है काटना, ये भी सलाहियत किसने रखी है, खालिक नहीं, और उसने कोई गारंटी नहीं ली है कि तुमको नहीं काटेगा, और ये भी नहीं कहा कि नमाज में नहीं काटूंगा, ये भी नहीं कहा। तो अल्लाह ने जब तक गारंटी नहीं ली है भाई किसी चीज की, हम अपनी तरफ से किसी को गारंटी नहीं दे सकते कि आप चूंकि बहुत नेक है लिहाजा आपको कुछ नहीं होगा, आप बहुत नेक है तो आप पे कोई दुश्मन हमला ही नहीं कर सकता, आप बहुत नेक है तो आप पे तो कोरोना का अटैक नहीं हो सकता, आप बहुत नेक है तो आपको तो माली नुकसान ही नहीं हो सकता, आप बहुत नेक है तो आपकी तो सेहत बहुत टाइट रहेगी, आप बहुत नेक हैं आपके घरेलू हालात बहुत अच्छे रहेंगे। घरेलू हालात अच्छे रहने के उसूल नेक होने भी हैं और उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। आप बहुत नेक हैं, रिस्क दरवाजे तोड़ के आएगा आपकी तरफ, क्यों आएगा भाई, रिस्क तो उसकी तरफ आता है जो रिस्क कमाने की कोशिश करता है, ऐसे ही थोड़ी खाली बिली आ जाता है रिश्ता। बहुत नेक हैं बैठे हुए आराम से तो बैठे रहो फिर, इसलिए तो कहते हैं रिस्क हलाल, ये फर्ज के फर्ज आयन है ये कमाना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ मैं ये अर्ज कर रहा था बुजुर्गी का जो मैयार बन चुका है वो मैयार ही क्या है आजकल, उसमें ही बहुत बड़ा फॉल्ट है, और फिर ऐसे लोगों को बुजुर्ग फर्ज कर लेते हैं और फिर उनको हदिए नजराने उनके सामने झुक रहे हैं, उनके हाथ चूम रहे हैं, कोई इसलिए किसी से अकीदत कर रहा है इसकी शक्ल बहुत अच्छी है, कोई इसलिए किसी से अकीदत कर रहा है कि जी ये दुरूद शरीफ बहुत ज़्यादा पड़ता है बात बात में। हाँ जी, तो नमाज में अगर आपको सांप दिख जाए तो आपने नमाज छोड़ देनी है उसी टाइम और सांप को मारना है, क्योंकि सांप की जो फितरत है वो वही है जो वो काटता है। तो काफ़ी सारे जानवर हैं उनके अलग अलग फितरत होती है और वो उनके हिसाब से ही करते हैं। और जो मुफ्ती साहब ने पहला जो एग्जांपल दिया ना कि किसी मस्जिद में कोई इमाम थे वो नमाज पढ़ रहे थे और काफ़ी लोग भी थे, बट वहाँ जलजिला आया तो कुछ लोग पीछे से चले गए, बहुत ऐसे करके सारे लोग चले गए बट सिर्फ एक इमाम बच रहे, तो वो हिले नहीं अपनी जगह से। फिर तो उनकी मिसाल दी कि ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपको दिख रहा है कि जलजल आ रहा है तो ये एक तरह से खुले में मौत को बुलावा देने वाला बात है, आप सही रहोगे तो आप अगले दिन भी नमाज पढ़ सकते हो। तो पहला है कि अपनी बॉडी को बचाना, तो अपनी बॉडी को बचाओ, आपको दिख रहा है कि यहाँ खड़े होने से मेरे को दिक्कत होगी या कुछ सर पे गिर जाएगा कुछ हो जाएगा, तो बेस्ट है कि आप वहाँ से दूर हट जाओ कहीं और चले जाओ। तो समझदारी का से काम लेना है, ऐसे नहीं सोचना बात, अदरवाइज ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे जो ऐसे कह सकते हैं बिल्कुल सही कहा कि एक तरफ अल्लाह और एक तरफ सांप, अल्लाह से आपका कनेक्शन है, अल्लाह की तरफ आप जब नमाज पढ़ रहे हो टोटली आप अल्लाह से हो तो आपका ध्यान सांप पे कैसे जा सकता है, ये वो, तो ऐसे होंगे काफ़ी लोग जो ऐसी बातें करेंगे उल्टी सीधी, बट खुद अल्लाह ने वो चीज़ उस चीज़ की गारंटी दी ही नहीं कि नमाज पढ़ते हुए आपको सांप नहीं काटेगा, जब ये ऐसा कहीं कुछ बोला ही नहीं लिखा ही नहीं, तो खुद से अपने आप से इतना समझदार बनना क्यों बनना। तो कहीं ऐसे सिचुएशन में अगर आपको सांप दिखाई दे तो जरूर जाके सांप को मारो, नहीं मार सकते दूर हो जाओ, हट जाओ वहाँ से जगह से, हाँ हट जाना चाहिए बिल्कुल, ये थोड़ी वैसे तो सांप आ जाएगा, वाकई में सांप थोड़ी आएगा, ये तो उन्होंने वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बोला था कि अगर ऐसा हो जाता है तो आप उस जगह से हट जाओ या उसको मारने की कोशिश करो, सारा तवज्जो फिर नमाज पे मत रखो, क्योंकि आपको जब चीज़ का पता चल गया है कि वो है हम अभी और नुकसान पहुंचा सकती है, मेन चीज़ तो उसका यही होता है ना मकसद कि नुकसान पहुंचाना, काट लेना। तो तो ये वैसे वो है कि 1400 साल पहले बात बोली गई थी ना, उस टाइम पूरा ये सिटी विटी ये पूरा इन सब का कॉन्सेप्ट नहीं था,
छोटे मोटे शहर होता था बट साथ में इतना बड़ा जंगल, तो वहां से सांप आ सकते थे. तो सिटी में तो आजकल रेयर ही होता है, बट ये जो लोग गांव में रहते हैं ना, पिंड में रहते हैं, गांव में रहते हैं, यहाँ ये चीज़ें कर सकते हैं सामना इस चीज़ का, क्योंकि गांव में खुला माहौल होता है, खेत होते हैं, तो वहाँ पर सांप आ सकते हैं. तो वहाँ पर कोई बंदा अगर अपने खेतों में काम कर रहा है, वहाँ पर नमाज पढ़ते हुए सांप आ गया, तो फिर उसको ये चीज़ करना चाहिए. तो जिसके खुले खुले घर होते हैं गांव में, गाँव में तो इतना बड़ा बड़ा माहौल होता है, इतना बड़ा सब कुछ होता है, वहाँ के लिए मेजरली है. बट शहर के लिए भी है कि आपके आप घरों में पढ़ रहे हो, बाई चांस घर में कोई आ गया, आप कहीं से आ गया, तो फिर उस केस में क्या करना है, तो वो भी पूरा बताया गया. कोई इंसेक्ट आ जाता है, ऐसा आप ना करके, इंसेक्ट आया था आपको काटने लगता है तो आप उसको ऑब्वियसली हटाओगे थोड़ी, बिल्कुल. वो काटता जा रहा है तो आप नमाज ही पढ़ते रहोगे नहीं, तो अपने आप अपने बॉडी को फील हो जाएगा कि कुछ है जो काट रहा है, तो साइड कर दोगे आप उसको. मतलब सांप हो, बिच्छू हो, या कोई जैसा हो, कुछ भी ऐसा जिससे आपको नुकसान हो रहा है, तो फिर आपने उसको हटा देना है, बिल्कुल. तो चलते हैं गाइस, मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब. इनके चैनल का लिंक, वीडियो का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.